कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार का गठन। डिप्टी सीएम के तौर पर डीके शिवकुमार ने ली शपथ। डिप्टी सीएम बनते ही किसके आगे हुए दंडवत। सनसनाकर निकलती गाड़ियों का ये काफिला है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, नए उपमुख्यमंत्री और 8 नए मंत्रियों का, जो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने के बाद सीधे कर्नाटक विधानसभा पहुंचे। गाड़ियों का काफिला रुका तो सबसे आगे चलते दिखाई दिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। उनके पीछे पीछे थे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और उनके पीछे थे कर्नाटक मंत्रिमंडल में शामिल किए गए वो 8 नए चेहरे, जिनमें एमबी पाटिल, रामलिंगा रेड्डी, केएच मुनियप्पा, सतीश जारकीहोली, जी परमेश्वर, प्रियांक खड़के, जमीर अहमद खान और केजे जॉर्ज। ये विधानसभा पहुंचे तो इन सभी के अंदाज में जोश और चेहरे पर साफ तौर से मंद मंद मुस्कान देखी गई। इस बीच जब डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार विधानसभा की सीढ़ियों पर पहुंचे तो वे वहां साष्टांग प्रणाम की मुद्रा में दंडवत हो गए। कुछ पल इसी अवस्था में रहने के बाद वे विधानसभा के भीतर चले गए। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार का गठन किया है। चुनाव में बीजेपी के साथ कांग्रेस की कड़ी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो बीजेपी के मुकाबले एक बड़े मार्जिन के अंतर से कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की। 2024 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी ऐसी परफॉर्मेंस से बेहद खुश दिखाई दे रही है। शपथ ग्रहण समारोह में भी उसके इस जोश में इजाफा हुआ जब विपक्ष के कई दलों के बड़े दिग्गज एक साथ दिखाई दिए। इसे उनके शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, जिस मार्फत उन्होंने कहीं ना कहीं खुद को एक संगठित शक्ति के तौर पर दिखाने की कोशिश की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।